कंपनी अगर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि आप कितना भी रिजाइन डालो हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में हम कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या उसमें कौन सा तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कंपनीज में ना, आपको अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल हो जाता है और उसके बाद आप किसी कंपनी में रिजाइन डालते हो, तो क्या करती हैं कंपनी, डिस्कस करती हैं, आपको रोकने की कोशिश करती हैं। हो सकता है आपके पास ऑफर लेटर एक अच्छा खासा हो, अगर फॉर एग्जांपल आप 15 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हो, तो आपके पास 30 लाख का हो या 35 लाख का हो, 25 लाख का जो आपका ऑफर होता है, तो क्या बोलती हैं कंपनी, चलो ठीक है हम आपको, अगर आपका 20 लाख वहाँ मिल रहा है तो हम आपको 18 लाख दे रहे हैं, 19 लाख दे रहे हैं, आप यहीं पर रुक जाओ। तो एक केस तो ये बनता है कि जब कंपनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एंड दूसरा केस क्या बनता है कि कंपनी वो जानकर रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है जबरदस्ती में, कि नहीं हमें आपको रिलीज़ करना ही नहीं है, हमें हमें आपको नहीं छोड़ना है, आपको जॉब करनी ही करनी पड़ेगी। तो उस केस में दोस्त क्या होता है कि आप कंपनी में प्रॉपर रिजाइन डालो एंड अपना ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर को एक बार रिवाइज करो और वहाँ पे देखो कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो कितना है, या करंट में उस कंपनी का नोटिस पीरियड कितना है, आप वो प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करो एंड नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद वो कंपनी से रिलीज हो जाओ, कंपनी से बाहर आ जाओ, भले ही वो एक्सेप्ट ना करें। देन अगर आप कंपनी से बाहर आ जाते हो तो उनकी मजबूरी होगा, आपका जो रिलीज होगा, जो रिलीविंग डेट होगा, वो उस दिन आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, एंड जिस दिन लास्ट वर्किंग डे हो उस दिन उनको एक मेल डाल के आना कि मैंने एक अटैचमेंट के साथ कि मैंने आपको इस तारीख को ये रेजिग्नेशन डाला था आपको, और ये मेरा लास्ट वर्किंग डे है, इसके अकॉर्डिंग आप मेरा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दो पीएफ में। तो कई बार कंपनीज आपका डेट ऑफ एग्जिट पीएफ में अपडेट नहीं करती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके पीएफ में, सर्विस ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर इन केस आपके पीएफ में सर्विस ओवरलैपिंग हो जाती है तो आपको नेक्स्ट जॉब, मतलब आप मान लो ना के बराबर आपको मिलेगी ही नहीं। तो मैक श्योर आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट जरूर पड़ा होना चाहिए एंड वो अटैचमेंट के साथ उनको भेजो। एंड जब आप डाल देते हो, आप पूरा नोटिस पीरियड सर्व कर जाते हो, जब 5-10 दिन या 1 वीक बचता है आपकी जॉब का, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनीज फिर आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि बंदा जा ही रहा है, मन बना लिया 100% जाएगा। बट स्टार्टिंग में फॉर सपोज अगर आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, तो उस केस में आपने रिजाइन डाला ना, तब ये कंपनी चीज़ करती है कि नहीं हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। बट इन द लास्ट वो बाद में आपको रिलीज़ कर ही देती हैं। 1% के केस में हो सकता ना करें, तो जो मैंने आपको तरीका बताया आप वो फॉलो कर सकते हो एंड उनसे मेल पे फॉर्म ले सकते हो और उनसे बात कर सकते हो कि नहीं हमें जाने ही जाना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन है और डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, मैं वहाँ पे 1-to-1 आपके साथ ओवर कॉल डिस्कस करता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।